हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों सीएचओ के बारे में। सीएचओ की जो है बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि किसी ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, अलग ही स्वैग चल रहा है सीएचओ का। किसी ने अपनी कार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी लिखा रखा है, किसी ने गाड़ी पर लिखा रखा है, किसी ने घर के बाहर लिखा रखा है, और वो सब चीज़ें सही भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आज हम दोस्तों कुछ बात करेंगे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट हैं सीएचओ बनने की, या क्या क्या कमियां हैं सीएचओ में, उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहे हैं आप सभी को और हम सभी को, तो हमें कुछ ना कुछ इसकी जो कमियां हैं वो भी हमें देखनी चाहिए और उन सबको जान लेना चाहिए सीएचओ बनने से पहले, और क्यों आपको सीएचओ बनने के बावजूद भी आगे पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा कि मेरे कहने के क्या मायने हैं, आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आज प्राप्त हुई है। ये सीएचओ सब बैठे हुए हैं, हेल्थ विजिट कर रहे हैं, और इंचार्ज दिवाकर मलाकर सीएचओ, यहाँ पे भी सीएचओ हैं, सॉरी, ये सब सीएचओ की कुछ तस्वीरें हैं। जो कि आप देख सकते हैं, और ये सभी सोच कर ही आप जो है सीएचओ बने हैं, बहुत अच्छी बात है। एक तस्वीर और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तस्वीर ये भी देख लीजिए दोस्तों आप। यहाँ पे ये आपका हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर है, और यहाँ पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके गाय, भैंस, बकरी सब बांध रखे हैं, ठीक है। तो ये भी आप, ये तस्वीर भी आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए दोस्तों। सबसे फर्स्ट जो है, एक एक करके मैं चार पांच चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे फर्स्ट जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो दोस्तों, ये जो भर्ती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है कि आपको जो है कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। आपको 6 महीने की ट्रेनिंग भी करनी है, ओके। तो 6 मंथ जो ट्रेनिंग पीरियड है, उस 6 मंथ के ट्रेनिंग पीरियड में आपको कोई अच्छी खासी सैलरी नहीं मिलती है, और 6 महीने ट्रेनिंग करनी है। उसके अलावा मेन तो चीज़ ये है कि कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है, और कॉन्ट्रेक्चुअल का तो आप देख ही सकते हैं, एक तरह से प्राइवेटाइजेशन के उनका पार्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल, और हर चीज़ ठेके पर देना कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ें हो रही है, जो कि गलत है। और बात करें, एक हम डिफरेंस की बात करें सीएचओ और एम्स या किसी दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब है उसमें, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कॉन्ट्रेक्चुअल, आप पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है, यहाँ पे आपकी परमानेंट जॉब है, ठीक है। बात करें यहाँ पे दोस्तों आपके जो है बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान में 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। और बात करें एम्स में, तो एम्स में कोई भी बॉन्ड आपको नहीं भरना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो है सैलरी का भी डिफरेंस है। यहाँ पे जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 25,000 के आसपास है, और एम्स और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आपको 60,000 के आसपास, 60,000 से वो सैलरी मिलती है। कौन इसमें अगर हम ऐड कर देंगे कुछ जो अलग से दिए जाने वाले अलाउंसेस वगैरह हैं, तो वो 40,000 के आसपास हो जाती है। लेकिन उसकी भी कोई वो उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो पूरे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको जो 25,000 के बाद 15,000 है वो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो है एक पॉइंट, ये भी हम सेकंड पॉइंट ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि बॉन्ड जो है, बॉन्ड यानी 5 लाख का बॉन्ड, 5 लाख बहुत बड़ी कीमत होती है दोस्तों। अगर आप छोड़ेंगे, एक बार जॉब लग जाएंगे उसके बाद 3 साल से, या जो भी 3 साल का ही हुए हैं, जो है 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं, तो आपको 5 लाख रुपये देने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। इतने पैसे आप कमाएंगे भी नहीं, जितने कि आपको वहाँ देने पड़ जाएंगे दोस्तों अगर आप जॉब छोड़ते हैं। तो ये बॉन्ड वाली बात तो हो ही गई, और पहली बार हमने एक तो बॉन्ड की बात की और एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की, और अब थर्ड बात करते हैं रियलिटी की बात की। मैंने रियलिटी की बात करूं तो जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया कि वहाँ पर अवैध अतिक्रमण भी है और बहुत सारी चीज़ें जो हमें बाहर से दिखने को होती है वो, और रियलिटी में थोड़ा सा अलग अंतर हो सकता है। और उसके अलावा एक जो है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन में भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीनी हकीकत, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी सीएचओ में हैं, तो उनसे भी मैंने बात करके यही पाया है कि
उन्होंने बस सर ने मुझे बोला है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं परमानेंट जॉब पाने के लिए, ठीक है, और आप कॉन्ट्रेक्चुअल में नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जॉब ज्वाइन कर लें, वैसे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप आगे भी कोशिश करते रहें, पढ़ते रहें। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर्स मानते हैं कि हम, जैसे हमने बीएस नर्सिंग की है और हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन डॉक्टर से डॉक्टर के बराबर की लगभग लगभग पोस्ट है, तो उसमें हम चले गए तो वो क्या, वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं कि ये हमारे अंदर, हमारे प्रोफेशन के अंदर घुस रहे हैं, हमारा काम ये ले रहे हैं, तो इस तरह से वो भी हमें एक तरह से अच्छा नहीं समझते। वो क्या समझते हैं कि वो इतना सिखाते नहीं है, ये मैं पर्सनली ये रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, कि जब आप 6 महीने का कोर्स करेंगे या फिर आप किसी CHC में जाएंगे तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स रहेंगे वो आपको इतना नहीं सिखाएंगे जितना कि आपको सीखने की ज़रूरत है, बस ऐसे ही आपको इतना टाइम पास कराया जाएगा, ओके, जितना सिखाने की सच में ज़रूरत है, जितना नॉलेज आपको कम्युनिटी में काम करने के लिए चाहिए होगा, डॉक्टर्स उसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारा प्रोफेशन आगे बढ़े या हम उनके बराबरी किसी मायने में करें। और बात सिर्फ डॉक्टर्स पे आकर ही ख़त्म नहीं होती है, स्टाफ नर्सेस, जो स्टाफ नर्स वहाँ पर काम करते हैं वो भी क्या सोचेंगे कि मैंने भी नर्सिंग कर रखी है, इसने भी नर्सिंग कर रखी है, अब ये CHO बन गया तो ये बड़ा क्या लाड साहब हो गया क्या, बहुत बड़ा आदमी हो गया क्या, इस तरह से जो एक तरह से जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि वो आपका, आप जो एक डॉक्टर उनको का कुछ काम बोलेगा तो वो आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जब हम कुछ काम कर बोलेंगे उनको तो इतने आसानी से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें एक तरह से, भले हमारी पोस्ट CHO एक पोस्ट बड़ी है स्टाफ नर्स से, लेकिन वो हमें एक अपने बराबर के लेवल का वो समझते हैं, वहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। स्टाफ नर्स में ही क्या कहते हैं ना, हमारा प्रोफेशन वाले ही हमारे दुश्मन हैं, तो वो बात सही है कि अपने प्रोफेशन वाले अपने प्रोफेशन को नीचे गिराने की, नीचे टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ भी आप मान करके चले दोस्तों कि रियलिटी है ये, कि आपको जो है वो सारी चीज़ें डॉक्टर सिखाएंगे नहीं, और स्टाफ नर्स जो है यहाँ वहाँ पर वो आपको जो है इतना कॉपरेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, देखने को मिलता है, न्यूज़ में भी आजकल आता रहता है। फिर बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट भी अलग अलग जगहों पर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं कि हमें भी CHO में शामिल किया जाए, और उनको भी मेडिसिन वगैरह का नॉलेज रहता है, तो वो भी हमें मतलब कि थोड़ा सा हमारे तरफ जो एक डॉक्टर के लिए जो रेस्पेक्ट फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स और खुद डॉक्टर ही जो रखते हैं, वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए उनमें, उनके अंदर आने में समय लग रहा है, वक्त लग रहा है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो रही है दोस्तों। और बात करें जो एडिशनल 25,000 तो आपको मिल ही जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एडिशनल जो 15,000 है जो कि आपके परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, ठीक है, जो इंसेंटिव आप कह सकते हैं, वो इंसेंटिव बहुत सारे उसमें बहुत सारे जो है, ऐसा नहीं कि आप 15,000 डायरेक्ट दे दी जाएगी, ये इंसेंटिव बेस्ड होगा, इंसेंटिव का ये इंसेंटिव जो है आपको कुछ जो है क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, वो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आपको जो है ये इंसेंटिव दिया जाएगा। इसका मतलब उसमें भी आपको कुछ नीचे बहुत सारी जगह होती है ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो एक तरह से टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप 15,000 में से आपको कितने हज़ार मिलेंगे उसका कोई गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, यानी कि आप मार्च मान के चलिए कि आपकी सैलरी जो है 25,000 ही होने वाली है, बहुत ज़्यादा आप उसको एक्सटेंड 40,000 है वैसे तो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इंसेंटिव आपके कितने हो सकते हैं, 5,000 आए, कभी 1,000 आए, कभी 10,000 आए, तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है ग्रास रूट लेवल पे काम करता है करना है, विलेज लेवल में काम करना है, तो कुछ लोगों को विलेज लेवल में काम करने में दिक्कत हो सकती है, और वहाँ पे जो है आपको रहने खाने पीने वगैरह की भी दिक्कत हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आप भी अपना जो है कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस होती है अगर आप CHO हैं तो, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन जिनको की है नेगेटिव आस्पेक्ट पता चल पाए CHO का। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आप पढ़ाई करिए, मैं तो यही कहता हूँ कि आप एम्स के लिए जाइए, ओके, आपको वहीं रहना है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप जो है आगे देख रहे हैं अपना फ्यूचर तो आपको एम्स के लिए जाना चाहिए, ठीक है, एम्स या अलग अलग जो भी परमानेंट वैकेंसीज हैं परमानेंट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि परमानेंट परमानेंट ही होता है और कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल ही होता है, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट हो, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर कंसिडर करें और एक बार सोचें ज़रूर, और फिर आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। एक बार ज्वाइन तो आप करें ही, लेकिन साथ साथ में स्टडी जो है वो आप कंटिन्यू रखें, बंद नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।